श्री बालाजी पशु डेयरी फार्म मंडी आदमपुर डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा की तरफ से सभी पशुपालक साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी डेयरी आदमपुर। आज की इस वीडियो में आप पशुपालक साथियों को टोटल अपने पास 5 पशुधन बिक्री के लिए उपलब्ध है वो भी दिखाएंगे। और ये देखिए डेयरी फार्म में बहुत ही बढ़िया साफ़ सफाई, जो खासकर बालाजी डेयरी आदमपुर को जाना जाता है साफ़ सफाई के मामले में, तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया साफ़ सुथरा फर्श, पशुओं के नीचे 1% भी कोई गंदगी कोई कीचड़ नहीं है। ऐसा साफ़ सुथरा और सूखा स्थान ही पशुओं के लिए परफेक्ट रहता है और मक्खियों से पशुओं को बचाया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की एक नंबर गाय से। ये जो आपको सामने गाय देख रही है, आज सुबह इसको खींच से बिल्कुल खाली कर दिया गया है, तीसरी बार बच्चा दिया है। मालिक ने बताया जी 22 लीटर दूध दूसरे ब्यांक में निकाल रखा है। गाय भी बहुत अच्छी है, थन बहुत बढ़िया लगे हुए और शांत शरीफ बहुत है, बिल्कुल न्याणा लेती हुई, बहुत ही शरीफ हुआ। थनों की क्वालिटी देखिए, बिल्कुल मुट्ठी के आकार का साफ सुथरा थन लगा हुआ है और साफ सुथरा अड्डर वाली है। नीचे इसके फीमेल का बछिया है, जो भी पशुपालक साथी खरीदना चाहे एक से एक बढ़िया पशुधन परमानेंट हमारी डेयरी फार्म पे आप पशुपालक साथियों को मिलेगा। इससे आगे दूसरे नंबर पे दूसरे ब्यांक की जोटी, अरविंद एक मिनट इसको खोलना भैया, दूसरे ब्यांक की जोटी है, बहुत ही बढ़िया साफ सुथरी, अभी तक 2-3 दिन में बच्चा देगी, साफ सुथरे आर्डर की, बिल्कुल जेड ब्लैक टेल, बिल्कुल गोल सींग। पहले ब्यांत में मालिक ने बताया जी 14 लीटर दूध निकाला, अभी दूसरी बार बच्चा देने वाली, बहुत ही अच्छा साफ सुथरा पशुधन परमानेंट हमारी डेयरी फार्म पे आप पशुपालक साथियों को मिलेगा। यह देखिए आर्डर की क्वालिटी भी बढ़िया है, थनों की क्वालिटी भी बेहतरीन है, ले आओ भैया। और बहुत ही बढ़िया साफ सुथरा पशुधन अपनी डेयरी फार्म पे परमानेंट आप पशुपालक साथियों को देखने को मिलेगा। ये जोटी अभी तक 4-5 दिन ले लेगी बच्चा देने में, दूसरी बार बच्चा देगी। जोटी 16 से 17 किलो दूध आराम से निकाल देगी दूसरी बार की। ये जो वीडियो में तीसरे नंबर पे बिल्कुल छोटे सींग की पेलन कटिया, पहले ब्यांत किए सुबह सुबह लगभग 9-9:30 बजे का टाइम है, दूध निकले हुए भी थोड़ा टाइम हुआ है। इस जोटी के अंदर अभी खाली होती लगभग आज 4th दिन बच्चा दिए को है और आज इस जोटी के अंदर 10 लीटर दूध मौके का तैयार है, 9 लीटर दूध बच्चे से अलग। साफ सुथरी जुटिया देखिए, बिल्कुल छोटा सींग, लंबी गर्दन, अर्डर की क्वालिटी भी देखिए बहुत बढ़िया, खुले खुले थन लगे हुए और थन पसमने के बाद में जोटी बहुत ही बढ़िया थन निकालती है। ये जोटी भी अपने पास बिक्री के लिए उपलब्ध है, पहले ब्यांत की जोटी, बहुत ही बढ़िया शानदार अच्छे खून पानी वाली और लंबी ऊंची जोटी। वीडियो में 3 नंबर पे बहुत अच्छा साफ सुथरा पशुधन, जो भी पशुपालक साथी खरीदना चाहे कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल कर सकते हैं। इससे आगे वीडियो में 4th नंबर पे एक बहुत बड़े साइज की जोटी, अभी पूरी तैयारी पे आने लगी है, अभी तक भी कच्ची है, जोटी टाइम ले लेगी, 14 तारीख को इस जोटी का ब्यांत बताया जी मालिक ने, बाकी देखते हैं कम लेती है ज़्यादा लेती है वो मौके की बात है। जोटी का साइज बहुत है, बिल्कुल छोटा सींग, लंबी गर्दन, हर चीज़ जोटी के अंदर बहुत ही बेहतरीन लगी हुई है, दूसरी बार बच्चा देगी। सींग से लेके पूंछ तक कहीं भी कोई भी प्रकार की जोटी के अंदर कसर नज़र नहीं आ रही जी। जो भी पशुपालक साथी घर के लिए या ब्रीडिंग के लिए लेना चाहते हैं उन भाइयों के खास मतलब की है जी, बड़े साइज की जोटी दूसरी बार बच्चा देने वाली, थनों की अर्डर की सींग की हर चीज़ में जोटी बहुत ही क्वालिटी वाली है। वीडियो में 4 नंबर पे और वीडियो में 5 नंबर पे ये जोटी बहुत ही गजब दूध वाली है। जिस टाइम शाम की टाइम होगी इस जोटी को, तो जोटी इतना बड़ा ऑर्डर करेगी एक HF गाय की तरह, जितना जोटी के अंदर दूध उतना ही जोटी बड़ा ऑर्डर करती है। 14 किलो दूध अभी बच्चे से अलग निकाल रही है,
और ऑर्डर की क्वालिटी इस रोटी की ख़ास तौर पे मैंने ये देखी है जी, जिस टाइम ये दूध पे तैयार होती है उस टाइम गाय एचएफ गाय की तरह ऑर्डर बनाती है, और जिस टाइम दूध निकल जाता है कोई आदमी ये नहीं बता सकता कि इस रोटी ने बच्चा दे रखा है। इतनी टॉप क्वालिटी की रोटी है, वीडियो में 5 नंबर पर बांध हुए। बहुत अच्छा साफ सुथरा पशुधन ही परमानेंट हमारी डेयरी फार्म पे आप पशुपालक साथियों को मिलेगा। कोई भी भाई किसी भी टाइम आओ, एक से एक अच्छा पशुधन हमारे यहाँ से खरीदो। तो आप पशुपालक साथियों को ये सारी भैंसी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में भी एक बार ज़रूर बताएं। और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पेज को फॉलो नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।